नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। जय हिंद साथियों। साथियों मैं सिद्धांत सर बोध गया फिजिकल अकेडमी में आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों आज का जो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है। साथियों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दानापुर और कटिहार यारों को जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है साथियों, उस वेटिंग लिस्ट के बारे में मैं बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है सो फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर दानापुर और कटिहार या जो जितने भी अभ्यर्थी बिलोंग करते हैं या नर्सिंग असिस्टेंट के, आपको दानापुर जेडारो से जितने भी नर्सिंग असिस्टेंट के अभ्यर्थी बिलोंग करते हैं, सभी एक आस लगाए हुए हैं कि सर क्या सेकेंड वेटिंग लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। तो साथियों कंटिन्यू इस वीडियो में बन रहेगा। आप सभी से जो है सो अनुरोध कर रहा हूं कि वीडियो को फटाफट जो है सो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को जो है सो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी हमारे चैनल के माध्यम से सही और सटीक जानकारी दी जाए वो जो है सो वीडियो आप तक जल्द से जल्द जो है सो नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। साथियों तो साथियों कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। साथियों अगर हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट का, तो वेटिंग लिस्ट का हम बात करते हैं साथियों, तो आप सभी जो आस लगाए हुए हैं वेटिंग लिस्ट का, दानापुर कटिहार वाले अभ्यर्थी, या तो आपका जीडी का हो, टेक्निकल का हो, या ट्रेडमैन का हो, या क्लर्क का हो, या कोई नर्सिंग असिस्टेंट का हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले कि वेटिंग लिस्ट आता किस प्रकार से है। तो वेटिंग लिस्ट देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी जैसे जो जीडी का रिजल्ट आया है या टेक्निकल का आया है या नर्सिंग का आया है या क्लर्क का आया है, ट्रेडमैन का आया है, जिसे भी ट्रेडमैन यानी कि रिजल्ट दिया गया है, तो साथियों वेटिंग लिस्ट आने का कारण यह होता है कि जैसे मान लीजिए जीडी का जो भी बंदे क्वालिफाई किए हैं, जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, तो उसमें कुछ अभ्यर्थी कुछ दूसरे सेक्टर में चले गए हैं, या तो अग्निवीर नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी कारणवश उनका मजबूरी होगा कि वो जो है सो नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गए हो, किसी प्रकार से डिफॉल्ट हुआ होगा, किसी प्रकार से समस्या हुआ होगा, तब जाकर के जो है सो वहां सीट क्या होता है, खाली होता है। तो वो साथियों देखा जाता है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है सारा कुछ प्रक्रिया हो जाता है, तो उसमें देखा जाता है कि कितने अभ्यर्थी जो है सो नहीं आए हैं, तो उसमें क्या है जो सीट खाली होता है तब जाकर के देखा जाता है कितने सीट खाली हुए हैं, तब जाकर के जो है सो सभी ट्रेडों का जो भी सीट खाली होता है तब उसमें जो है सो आपको वेटिंग लिस्ट जो है सो देखने के लिए जो है सो मिलता है। साथियों तो साथियों मैं आप लोग को बता दूं कि वेटिंग लिस्ट आप लोग को 110% आएगा, मतलब आएगा, या दानापुर का हो या कटिहार का हो, आप लोग का दानापुर या कटिहार जितने भी अभ्यर्थी बिलोंग करते हैं जो आस लगाए हुए हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगा या नहीं, तो बिल्कुल आप लोग का जो है सो वेटिंग लिस्ट जो है सो देखने के लिए जो है सो साथियों बिल्कुल मिलेगा। बस आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, और अभी देखिए जीडी का लगभग समाप्त हो गया है, अभी नर्सिंग का होगा, अभी देखिए 12 तारीख को जो है सो आपका क्लर्क को 12 मार्च को बुलाया गया है, तभी जो है वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है साथियों लगातार कंटिन्यू चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो वो सारी प्रक्रियाएं अभी चल रही है, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। जिन भी भाई का वेटिंग लिस्ट का इंतजार है तो वेटिंग लिस्ट आप लोग को जरूर आएगा, अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, जैसा ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तो मैं आप लोग को जो है सो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कौन से ट्रेड से कितने कितने सीट खाली हुए हैं, और बहुत जल्द इतना तो मैं आप लोग को जरूर बता दूं कि बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट आएगा, क्योंकि सभी को जो है सो आपको डिस्पैच करना है सभी ट्रेड में, और आपका अप्रैल में जो है सो इसका जो है ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग को बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट जो है सो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी जो वेरिफिकेशन चल रहा है इसके वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, जैसी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा प्रक्रिया क्लियर हो जाता है तो आप लोग को जो है वेटिंग लिस्ट जो है बहुत जल्द आएगा। लेकिन इतना मैं जरूर लास्ट में जरूर बता रहा हूँ, दानापुर हो या कटिहार हो, दोनों यारों से जो है वेटिंग लिस्ट एकदम 110% आएगा, मतलब आएगा, ये गारंटी। और जहां तक मैं बात करता हूँ कुछ अभ्यर्थी के, ये नहीं माइंड में होगा कि जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रक्रिया जीडी का हो गया है, भाई
वेटिंग लिस्ट सभी ट्रेड का जो है एक साथ आता है, या तो आपका कलर को हो या तो आपका जीडी हो, टेक्निकल हो, ट्रीटमेंट जो भी हो, सभी का एक साथ ही आता है। सभी का वेटिंग लिस्ट बारी बारी से नहीं निकालता है, जो भी सीट खाली होंगे वो आपको एक ही बार जो है वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा। और वेटिंग लिस्ट आपको नेट पर नहीं जाएगा, उसमें क्या है कि जिन भी भाई का वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होगा उनको जो है सो मेल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा या पीआरओ जो है रिपोर्ट करिए। तो बस थोड़ा सा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। साथियों जैसे और कोई बिग अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को जैसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जो है सो जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी सही और सटीक जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को देता हूं उन नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक जो है सो जरूर पहुंचे। साथियों आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।